पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। आज की वीडियो आपके उस क्वेश्चन के बारे में है जो आप कमेंट सेक्शन पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो है हाथ और पाँव को गोरा करने का तरीका, या हम हाथों की पैरों की वाइटनिंग नीटनेस कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जनाब, अगर बालों, ये जो हम हाथों पैरों की सफ़ेद होने का या वाइटनिंग की बात करें, या इसकी स्याही का जिनका मसला बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर ज़्यादातर जो पेशेंट्स मुझे कहते हैं उनका ये मसला होता है कि जी हमारे नकल्स डार्क हैं, हमारे हाथों के जो पैरों के जो फिंगर्स हैं, नकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो ड्राइनेस की वजह से, रगड़ लगने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आपके नकल्स ड्राई हो जाते हैं। हमारी स्किन के रूटीन अगर अच्छी ना हो, ड्राई स्किन के साथ हम प्रॉपरली लुब्रिकेशन ना करें, मॉइस्चराइजर्स यूज़ ना करें, तो ड्राइनेस की वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे नकल्स डार्क हो जाते हैं और हाथ पाँव डार्क हो जाते हैं, वक्त से पहले एज लगना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप कोशिश करें अच्छा सा मॉइस्चराइजर लुब्रिकेशन इस्तेमाल करें। सिंपल पेट्रोलियम जेली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा उसको अच्छे से रब करके एब्जॉर्ब करें। जब हम किसी चीज़ का मसाज करते हैं ना, अपने हाथों पे पैरों पे रब करते हैं, तो एक हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होती है जो भी चीज़ हम लगाएं उसकी, और दूसरा है कि सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। तो हमें कोई हाई एंड महंगे प्रोडक्ट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल पेट्रोलियम जेली से भी अपने हाथों पैरों को साफ कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जी आपने ये देखना है कि कहीं कोई आपको स्किन कंडीशन तो नहीं है, कोई स्किन का ऐसा मसला, क्योंकि कहीं कोई चोट लगे या कोई मसला हो तो उसके बाद जब हीलिंग होती है तो हीलिंग के बाद भी वो जगह डार्क हो जाती है, इसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं, या हम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो बहुत हार्श है, या हमारा सोप बहुत हार्श है, ये एक रीज़न हो सकती है, या हम ड्राइव करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम ऐसा करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं कि हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हम करते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकती है। अगर आपकी वर्क प्लेस पर केमिकल एक्सपोजर है आपका, या ड्राइविंग की वजह से बहुत ज़्यादा आपके हाथ टैन हो जाते हैं, तो आप ग्लव्स पहन के ड्राइव कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। उसके बाद ये है कि कुछ लोगों के अंदर हार्मोनल प्रोफाइल अगर इम्बैलेंस है, जैसे लड़कियों में PCOS का मसला है, या कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में ओबेसिटी की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी हार्मोनल प्रोफाइल इम्बैलेंस है। हार्मोनल प्रोफाइल इम्बैलेंस होने के नतीजे में भी हमारे नकल्स डार्क हो जाते हैं, हमारी आर्मपिट्स डार्क हो जाती है, हमारी नेक डार्क हो जाती है, और स्किन थिक हो जाती है, वेलवेटी हो जाती है। इस केस में हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा डिजीज़ या डिसऑर्डर क्या है, हम उसको ट्रीट करेंगे तो ही ये वाली पिगमेंटेशन बेहतर होगी, क्योंकि ये बहुत स्टबन किस्म की पिगमेंटेशन होती है, बहुत ढीठ पिगमेंटेशन होती है, आसानी से नहीं जाती जब तक हम अपना अंडरलाइन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करते। इसके अलावा ये होता है कि अगर हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद हमारी स्किन ओवर टाइम टैन हो रही है, डार्क हो रही है, रफ़ हो रही है, अनटाइडी हो रही है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि सिंपल पेट्रोलियम जेली तो आप यूज़ करें, आप कोशिश करें अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर आप हाइड्रेशन को बहुत इंप्रूव करें, क्योंकि ड्राई कोर स्किन जल्दी एज होगी, जल्दी डल होगी, जल्दी पिगमेंटेड होगी। अपनी डाइट के अंदर फ्रेश सीजनल फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल करें, जो भी सीज़न का ताज़ा फल है, जैसे कि अगर सर्दियों में ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस हैं तो हम बाकी टाइम में जब गाजर का मौसम है वो ले सकते हैं, बाकी राउंड द ईयर ये जो ABC जूस बहुत फेमस है आजकल, जिसमें एप्पल है, बीटरूट है, कैरेट है, यानी कि सेब, चिकंदर और गाजर, तो आप ये तो पूरा साल किसी भी वक्त पी सकते हैं। दिस इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत अच्छा है, इसको आप इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन अच्छी करें। और हमारी डाइट में जैसे जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, अब जब हम जितना भी जंक फूड खाते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और स्टीरॉइड्स इंक्लूडेड होते हैं जिसकी वजह से भी हमारी हार्मोनल प्रोफाइल ख़राब होती है। अगर हम घर का बना हुआ खाना खाएंगे, चाहे वो सब्जियों पे ही मुश्तमिल हो ज़्यादातर, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और वेलबींग के लिए। और उसके बाद ये है कि वाइटनिंग के लिए एजेंट्स फिर क्या क्या हैं। आपको पता है कि हम हमेशा लाइफस्टाइल के साथ साथ होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस दोनों की बात करते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं पिगमेंटेशन के लिए, टैनिंग के लिए, वो उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो अगर हम मॉइस्चराइज़ करने की बात करें तो आप बेसिक नायासिनामाइड या जिंक का सीरम किसी अच्छे ऑथेंटिक ब्रांड का,
वो इस्तेमाल करें हाथों पैरों पर ट्वाइस डेली। इसके बाद अगर आप 30s में हैं या थोड़ी आपको लगता है एजिंग है हाथों पैरों पर, तो आप 1-2 times weekly रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम छाइयों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपने सेफ कॉम्बिनेशन में हाइड्रोक्विनॉन के साथ आती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1-2 times weekly रात के टाइम अप्लाई करने के लिए। और दूसरा है कि सनब्लॉक जो आप अपने चेहरे पे लगाते हैं, वो आपको अपने हाथों पे भी लगाना है, क्योंकि हाथ भी हमारे एक्सपोज होते हैं। सनब्लॉक आपको फेस के साथ साथ अपनी नेक पे, अपने हाथों पे प्रॉपरली जो भी आपका सन एक्सपोज्ड एरिया है उस पर यूज़ करना है, तो उससे भी काफ़ी इंप्रूव होगा आपका टैनिंग का प्रॉब्लम। उसके बाद आती हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि कॉजिक एसिड बेस्ड कुछ सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं मेलास्मा को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा AHA BHA जो ये सीरम्स हैं, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इनकी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स आती हैं, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं हाथों की पिगमेंटेशन के लिए। फिर बात करते हैं जी होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ के अंदर जो एक वेल नोन बड़ा पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एक बड़ा वेल नोन तरीका है, ये मिल्क के अंदर लेमन को ऐड करके और थोड़ा सा हनी ऐड करके यूज़ करने का, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर ये लैक्टिक एसिड की बड़ी अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम वैसे भी इन द फॉर्म ऑफ सीरम्स और इन द फॉर्म ऑफ डाइट चाहते हैं कि पेशेंट इस्तेमाल करें। आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर लें। ऑरेंज पील को आपने कैसे बनाना है, जैसे आजकल ऑरेंजेस ईजीली अवेलेबल हैं, आप उसके पील्स को ड्राई करके सन ड्राई करना है, आपने उसको सन ड्राई करके आपने उसको फिर ग्राइंड कर लेना है और आप उसको ऐसा ऐड कर सकते हैं। ये एक आपका नेचुरल सोर्स बन जाएगा विटामिन सी का। लेकिन आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें क्योंकि जेंटल एसिड्स हैं, आपने जो भी नई चीज़ अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करनी है, आपने इनिशियली उसको 1-2 times जस्ट इन अ वीक इस्तेमाल करना है। अगर वो आपको सूट कर जाती है तो आप ग्रेजुअली उसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हमारा कोई इवेंट लाइंड अप है, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो हमें कुछ ओरल सप्लीमेंट्स वो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, अगर हम डेफिशिएंट हैं किसी चीज़ में जैसे कि आयरन में, वाइटामिन डी में, क्या मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, तो आप वो ऐड करें। और इसके अलावा आप लेज़र्स की तरफ जा सकते हैं। लेज़र्स जो क्यू स्विच्ड ND-YAG लेज़र है, जो कि खास तौर पर पिगमेंटेशन के लिए ही एक लेज़र बनाया गया है, तो वो 3-4 सेशंस में ही आपकी पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर देगा। इसके अलावा आप केमिकल पील का सेशन ले सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपकी पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपकी रिकमेंडेशन पर ही वीडियो बनाते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो भी आपकी रिकमेंडेशन पर ही प्लान करेंगे। और इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन या पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल DHA Phase 5 और होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA Phase 3 लाहौर में अवेलेबल होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।